हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ मोशन। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सा है। कुछ फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले, वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सिंपल क्या करेंगे, स्पीड का वही आपका पुराना फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर कोई भी स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है और आपको चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, इसको इनटू कर देंगे कितने से, 5/18 से। ठीक, उल्टा आइए, अगर मीटर पर सेकंड से आपको किसमें जाना है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 18/5 से। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चलिए बात करते हैं फोर्थ की। तो आपको इसमें एक एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, याद रखिए इसको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, और इसमें कुछ खास फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है, एवरेज स्पीड का आपको बताया था मैंने थ्योरी में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए देर नहीं करते हैं, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये देख रहे हैं ना, किलोमीटर पर आवर, सिंपल पूछा गया इसको मीटर पर सेकंड बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि अगर किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। तो कुछ मत करिए, सिंपल क्या है, देखिए ना, स्पीड इज इक्वल टू कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसको क्या करना है, सीधे हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 4 जा, और ये आपका आ गया 20, और यूनिट हमारी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। लो जी, यही आपका हो गया आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं, दूसरा फिर उल्टा पूछ लिया, 15, हाँ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, किसने पूछा है, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, 15 लिखा हुआ है, 5/18 और 18/5, ठीक मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यूनिट क्या लगा देंगे, यूनिट चेंज करना पड़ेगा अब आपको। ठीक, 5 3 जा, और ये हमारा हो गया 54, यूनिट क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर, जो कि ये क्वेश्चन हमसे देख रहे हैं ना, यहाँ से इस पे पूछ रहा था। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए ये मीटर पर सेकंड ने बना हुआ है, इसको मत छेड़िए। देखिए दूसरा वाला क्या है, 1 किलोमीटर पर मिनट, चेंज कर लीजिए। देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना। ठीक, और 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड होता है, तो 10 ये कट गया आपका। ठीक, कितना आ गया, 50/3 मीटर पर सेकेंड, और कर लीजिए इसको। ठीक, तो ये बनेगा 1, ये आपका 2 होल 16 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा देखिए, 18 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज कर लीजिए ना, 18 किलोमीटर पर आवर, क्या करेंगे, 18 × 5/18। ठीक है ना, यही तो रूल होता है ना, अभी बताया था मैंने आपको, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 5/5 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा आपका, 10, फिर क्या आएगा आपका, 16 होल 2/3। ठीक, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 5 किसका निकला है, 18 का निकला है ना, तो 18 किलोमीटर पर आवर, कॉमा फिर क्या है, 10, 10 तो था ही 10। ठीक, 10 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला जो लास्ट हमारा बचा हुआ है वो क्या है, 1, सबसे बड़ा क्या होगा, 1 किलोमीटर पर मिनट। लो जी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये जो सर्किल है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, मतलब सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे सबसे बड़ा ये। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। चलिए इसको हम बनाते हैं आगरा, इसको हम बनाते हैं दिल्ली। क्लियर, अब ये डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है, चलिए एक्स मान लेते हैं, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड 65, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ओके नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड क्या है, 65, डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है
टाइम 3 आवर है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19, ठीक। और चूंकि सब किलोमीटर में, इसलिए आंसर आपका किलोमीटर में ही आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर दिस स्पीड, नेक्स्ट 30 किलोमीटर दिस स्पीड। देखिए, मान लेते हैं ना कार यहाँ से चली होगी, ठीक है, ये फाइनल डेस्टिनेशन, ये इनिशियल है फाइनल। अब देखिए, फर्स्ट 30 किलोमीटर, हाँ फर्स्ट 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 30 किलोमीटर, और ये नेक्स्ट 30 हो गया। अब ये देखिए ना किस स्पीड से जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखिए, टाइम हमें नहीं पता है कि यहाँ से मान लीजिए ए से चला होगा, फिर बी पे, फिर सी पे, ठीक। तो ए बी का टाइम नहीं पता है, ए से बी से जाने में टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 30, स्पीड क्या है 60, तो जी कैंसिल होके कितना आया, हाफ आवर, ठीक, छोड़ दीजिए यहाँ पे। ये आपका पहला टाइम हो गया, ठीक। दूसरा टाइम निकालेंगे, फिर वही चीज़, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, डिस्टेंस 30, स्पीड कितनी आपकी 40, ये 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आया बेटा 3/4 आवर। अब क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस देखो बेटा, 30 पहले चला था, फिर 30 चलाइए, उसके बाद टाइम कितना, हाफ प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 हो गया, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 ऊपर रख दीजिए, 2 2 जा 4, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, बस कितना हो जाएगा 64/5, इससे कैंसिल कर दीजिए, 12 आ गया, और ये कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पढ़िए ना, क्या बोलता है, अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम ए। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दो स्टेशन है, ठीक है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि 2 आवर टू रीच बी, ठीक है, यानी जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है बेटा, 2 आवर, और आने में वापस कितना लग रहा है इसको, 3 आवर, ठीक। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर। देखो ना बेटा, ये क्या डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका पता है क्या, टोटल डिस्टेंस, ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो सबको पता। अब हमारे पास डिस्टेंस तो है ना, कि 200 गया भाई और वापस 200 आया, यानी 400, ठीक, और टाइम कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलिए ये हम डिस्टेंस मान लेते हैं ए और बी के बीच कितनी है, एक्स, ठीक, ये एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स स्पीड क्या थी, सॉरी यहाँ पे देखिए ना, टाइम भी दिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं निकालना, सीधे क्या 2 प्लस 3, क्योंकि दो दो जाने का, 3 आने का, तो मतलब 5, यानी कितना हो गया बेटा 400/5, ये हो गया 5, ठीक, ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है। नेक्स्ट, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ कवर अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, देखा ना ये, अब देखो 1 किलोमीटर ईस्ट, मैंने थ्योरी बताया था, डायरेक्शन मेंशन हो गई, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड, राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो स्पीड डिस्टेंस कितना है हमारा 1 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना है 100 सेकेंड, वेरी सिंपल, 1 किलोमीटर सभी लोग जानते हैं कितने सेकेंड होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है, ये आपका हो गया मीटर, ओके, फिर 100 सेकेंड कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखो ना बेटा, एक्वायर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन, देखो जो मैंने अंडरलाइन किया देखना, देखो बेटा कहीं भी रेस्ट वर्ड आएगा ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तुरंत समझ जाना यू जीरो, ठीक।
अब देखो रेस्ट स्टार्ट की, तो यू अगर जीरो तो अगला वी होगा, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड। वेरी सिंपल, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए ना, वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना है 10, यू कितना है 0, टाइम कितना है 2, तो कितना आंसर आ गया बेटा 5। यूनिट का ध्यान रखिए, गलती से मीटर पर सेकंड मत रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आ गया ये, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर से रेस्ट, तो क्या यू जीरो हुआ कि नहीं हुआ बेटा। अक्वायर वेलोसिटी वी कितना है 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए टाइम कितना है 0.05 आर, इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हम, इसको पहले में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, जिसका रूल क्या होता है, 1 घंटे, जाहिर सी बात है 1 घंटे में कितना 3600 सेकेंड होते हैं, तो इतने घंटे में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो पॉइंट को ख़त्म करेंगे, बचेगा कितना 5 और 36, मल्टीप्लाई करिए 180 सेकेंड। चलिए फॉर्मूला लगा दिया एक्सीलरेशन का, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक। वी कितना 180 हो गया बेटा, ठीक, हाई है, गिवन है, यू जीरो है, टाइम कितना 180, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा 180/180, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, इसलिए यूनिट मीटर पर सेकंड, ध्यान यूनिट का ध्यान रखें नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए, अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी चेंजेज कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन रेट 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा, से कितना हो रहा है 20, ठीक, एक्सीलरेशन। वेरी सिंपल, देखो ना, वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल कितना है 20 माइनस 50, ठीक, 3 सेकेंड, कितना हो गया हमारा ये 30/3 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक हिसाब से देखें तो ये क्या है, एक्सीलरेशन नहीं है, ये क्या है, रिटार्डेशन है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, ठीक, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 50 से 20 हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अ टॉय कार इंस्टेंटली मूविंग विद वेलोसिटी इतना 18 किलोमीटर पर आवर कम्स टू स्टॉप। देखो बेटा इसमें क्या, पहले कितने से चल रहा था ये 18 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देख रहे ना SI, इसका मतलब क्या, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा, रूल 5/18, कितना बचा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखो ना, जीरो हो जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, जीरो हो जा रहा है, कम्स टू स्टॉप, और कितनी देर में जीरो हो जा रहा है 2 सेकेंड में, ठीक, रिटार्डेशन। वेरी सिंपल, क्या लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा क्या, वी माइनस यू अपॉन टी, वी जीरो, ठीक, यू कितना है, सॉरी यू हमारा 5, ठीक, टाइम दैट इज 5, सब कट के कितना आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ये हमारा रिटार्डेशन हो गया, सिंपल। आगे आइए, अ कार एक्सीलरेट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी। देखो ना बेटा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग गया ना, तुरंत समझ जाना ये एक्सीलरेशन है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक, सिंपल, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इंक्रीज इन वेलोसिटी वी पूछ रहा है, ठीक है, इन 2 सेकेंड, ठीक है, क्या पूछा है, टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड, ठीक, एक्सीलरेट। चलिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक, एक्सीलरेशन कितना 5, वी पूछ रहा है टाइम 2, कितना आया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। लो जी, हो गया आपका आंसर, नेक्स्ट। ओके तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए, ठीक है, इसके और न्यूमेरिकल कुछ रह गए हैं जो थोड़े से टफ हैं, बिल्कुल मैं बताऊंगा, 4 या 5 न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड हैं, मैं दे दूंगा बहुत जल्दी, ठीक, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोचिंग या ट्यूशन की सुविधा नहीं है, कुछ लोग हो सकता है गांव में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर उनके पास सुविधाएं नहीं हैं कोचिंग की, ट्यूशन की, तो उन उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।